हेलो माय वेरी डियर सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड दिस इज द मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एफ एम डी ए आई नो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आप लोगों के answers. I have solved your answers over आई मैं आपको दिखा दूंगी कैसे कैसे आ रहा है क्या क्या आ रहा है इंक्लूडिंग एफ के पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव से डू वॉच दिस वीडियो so दैट यू कैन एनालाइज कि आपके कौन से आंसर्स नियर बाय आ रहे हैं, कितने करेक्ट आ रहे हैं और आपके approximately कितने मार्क्स आ सकते हैं <laughs> बेगिन व्यूर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पहले तो हम सारे ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन दिखते जाएंगे मैं करेक्ट ऑब्जेक्टिव को टिक करते जाऊँगी और हम आगे के अगर आप देख रहे हो तो इतनी मेहनत करके हर क्वेश्चन में खुद आप लोगों के लिए सॉल्व किया हुआ है दिस इज माई ओन वेरी ओन हैंड राइटिंग इफ़ यू माई स्टूडेंट यू नो वेरी वेल सो आई हैव सोल्व ऑल दीज क्वेश्चन सो दैट वी कैन गेट एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हो वैसे तो ये पेपर आसान था सॉल्वेबल था अगर आपने रेगुलर और सक्सेस बैच किया होगा तो आपको सच दिक्कत नहीं आई होगी ये पेपर के अंदर लेकिन फिर भी एक बार अपन जस्ट आंसर वेरीफाई करेंगे स्टार्टिंग विद योर ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव के साथ यह आपका पहला पहला ऑब्जेक्टिव ऑन योर स्क्रीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो वो पूछ रहा है कि वैक के बारे में इनमें से कौन सी चीज करेक्ट लग रही है हम लोगों को द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिक्रीज यानी आपका कॉस्ट कम होगा अगर डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा द आंसर योर इज ट्रू क्योंकि जैसे जैसे डेट का प्रपोर्शन बढ़ता है वैसे वैसे हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरली क्या हो जाता है कम हो जाता है ऐसे क्यों होता है क्योंकि डेट ज्यादा महंगा नहीं होता है इक्विटी ज्यादा महंगा होता है करेक्ट सो so आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे ए फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू की एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आप लोगों को यहाँ पे प्रपोजल का इनिशियल कैश आउटले दे दिया है बीस लाख का तो ये आपका कैश आउटले है प्रपोजल हैज

प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो तो नहीं पता बट यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आपको बोल दिया है ना कितना है 20 लाख तो so सीधा आप क्या करेंगे 20 लाख 1.182 तो आपको आंसर आ जाएगा 2364000 दैट इज योर ऑप्शन ए डिसलेक्सिया होपफुली आपको नहीं हुआ होगा 22 और 23 के अंदर दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर in be के लिए आपको कुछ भी डायगनाइज करना है तो इन्वेंटरी टर्न ओवर रेशियो इज द बेस्ट रेशियो फॉर इन्वेंटरीज फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर पे एमजेटेड टेन परसेंट डिबेंचर्स ऑफ हंड्रेड ईच द रेट ऑफ इन्फ्लेशन सिक्स परसेंट है इन्फ्लेशन नहीं दिया रहता तो क्वेश्चन बहुत आसान था लेकिन आई नो कि यहाँ पे इन्फ्लेशन सुन के थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत हुई रहेगी ये एमसीक्यू थोड़ा सा ट्रिकी है और ये ये वाले पेपर के अंदर ना कुछ समय ऐसा भी है मैं आपको बताऊंगी जो आप लोगों के फाइनल के सिलेबस में से उठा के इधर डाला हुआ है बट सिंस आपको पता है कि मैं जब भी आपको रेगुलर में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको कहा था कि अगर इतना इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल होता है तो हम उससे थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ते हैं उसका रीज़न ये होता है कि आप लोगों के पेपर में कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा आया तो यू मस्ट बी रेडी इसलिए आपको फील नहीं आया होगा कि हाँ यार, यार ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि अपन ऑलरेडी कर चुके थे अपने लेक्चर्स के अंदर लेकिन ऐसे क्वेश्चनस भी थे और ये ऑब्जेक्टिव वॉज़ वन ऑफ देम जहाँ पर आप लोग अटक सकते थे इसका फॉर्मूला क्या होता है ना वन प्लस आपका जो भी इंटरेस्ट रेट है

क्वेश्चन नंबर फाइव अभी अगर आप देखेंगे कमर्शियल पेपर का क्वेश्चन है कमर्शियल पेपर के अपन ने ऑलरेडी क्वेश्चन किए रहते हैं फेस वैल्यू माइनस जो भी इशू प्राइस होता है उसका उससे माइनस करने का डिवाइड करने का तो बेसिकली अपन चेंज निकालते हैं इन हम क्या करते थ्री सिक्सटी अपन जितना भी आपका मेच्योरिटी पीरियड रहता है वो तो आपका फेस वैल्यू कितना है टेन लाख माइनस नाइन लैख सिक्सटी थाउजेंड इन टू थ्री सिक्सटी मेच्योरिटी पीरियड कितना है आपका वन ट्वेंटी फटाफट इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ने अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट जिसके क्लोजेस्ट आंसर हमको मिल रहा है यहाँ पे ट्वेल्व पॉइंट सेवन परसेंट तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ द कॉस्ट ऑफ़ द प्रोजेक्ट आपको दे दिया यूजफुल लाइफ दे दिया एन्यूटी दे दिया ने हर साल कितना आने वाला है वो दे दिया है पे बैक पीरियड निकालना है तो ट्वेंटी टू लैक एट्टी फोर थाउजेंड को आप क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे लाख से से तो 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 आपको approximately 2 .855, टू से इतना तो पक्का अभी एट के लिए क्या करोगे कर लोगे टू तो सिक्स मिलेगा तो टू ईयर्स एंड कितना मंथ हो जाएगा फिर वो टेन पॉइंट टू सिक्स यानी हो जाएगा इलेवन मंथ राइट ओके फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे एनुअल डिमांड यहाँ पे जो लिखा है उसको प्लीज इग्नोर करना ये जिस स्टूडेंट से पेपर लिया होगा उनका लिखा होगा अभी आप यहाँ पे मैं इसको रिसोल्व करूंगी उस पार्ट पे ध्यान देना एनुअल डिमांड कितना है यू क्यू पूछा है ना तो ट्वेंटी थाउजेंड हो जाएगा यूनिट प्राइस दो है ठीक है ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होता है टू थाउजेंड फॉर्मूला पता है ना टू ए ओ अपन सी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट के लिए टू इन आपका कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज कितना है टेन तो टू का टेन परसेंट हो जाएगा तो तो और हम लेंगे आप लोगों का EOQ कितना आ गया है? आ गया गया है लेकिन ईओ क्यू नहीं चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए बेस्ड ऑन ईओ क्यू पूछा है तो एनुअल रिक्वायरमेंट भी बीस हजार है एक बार में ऑर्डर भी बीस हजार करेंगे तो कितना ऑर्डर करना पड़ेगा साल में एक ही बार ऑर्डर करना पड़ेगा दैट्स नेक्स्ट आएंगे ऑब्जेक्टिव पे एवरेज रिसीवेबल कितना आपका थ्री लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है कैश सेल्स है ठीक है टू लाख फिफ्टी थाउजेंड एवरेज कलेक्शन पीरियड टू मंथ्स है तो ये जो है कितने महीने में कलेक्ट होता है दो महीने में तो पूरे साल भर में कितना कलेक्ट होता होगा जरा बताओ थ्री लाख ट्वेंटी डिवाइड बाई टू इंटू ट्वेल्व तो नाइनटीन लाख फिफ्टी कलेक्ट होता होगा प्लस आप लोगों को टू लाख फिफ्टी थाउजेंड को क्या करना पड़ेगा एड करना पड़ेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ट्वेंटी टू लैक्स इज योर अमाउंट ऑफ सेल्स फॉर द होल योर फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर नाइन पे ये आपको पूछा है पेट्रियोस की एफ स्कोर ये आपके फाइनेंशियल स्कोर से न्यू सिलेबस में जो भी आया है ना उसका क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा बाइनरी है तो बाइनरी दो थे लेकिन इट इज बेस्ड ऑन नाइन पैरामीटर्स जीरो टू नाइन जो रहते हैं वो नाइन पैरामीटर्स होते हैं कॉन्स्टेंट डिविडेंट ग्रोथ मॉडल इज बेसिकली यूज फॉर मेच्योर इंडस्ट्री थियोरी परफेक्टली की होगी तो ये आंसर्स आपको आसानी से आ गए होंगे ओ ए एस आई एस कमेटी हैज गिवन रिकमेंडेशन इन द एरिया ऑफ पेंशन पेंशन रिलेटेड सारे रिकमेंडेशन जो अच्छे खासे थे वो यहाँ से आए हुए थे डैश इज द एन्यल ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दिस इज अबाउट सी ए जी आर ये इसी का डेफिनेशन है फिर हम आएंगे नेक्स्ट पे विच इज दिस इज ऑफ योर डी ए तो इसका आंसर आता है इंटरवल्स के लिए तो मैं आपके निकिता मैम से लेकर आई हूं फिर आपका जो ये फोर्टीन ये भी डी है डी ए है और मैं अगर आपको सच बोलूं तो ये हम ओएम में पढ़ चुके थे और इसका आंसर भी आता है गैंट चार्ट बी गैंट चार्ट याद है ना अपन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले चैप्टर में किए हुए थे फिर हम आएंगे लास्ट एम सी और उसका आंसर होता है हाइब्रिड क्लाउड और ये थे आपके एमसी क्यू अब इसके नीचे हम चालू करेंगे के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और लेटर ऑन आप लोगों को ये वेरीफाई करने में मदद करेगा देखो ये वीडियो को जरूर देखना इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से मैंने हर चीज यहाँ पे सॉल्व की हुई है और आपको देखने नहीं मिलेगी इधर उधर इसीलिए दिस इस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यू फील सो आपको ऐसे लग रहा है कि ये वीडियो पे काफी एफर्ट्स लिए आप लोगों को आंसर देने के लिए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे शेयर करेंगे एंड इफ़ यू न्यू टू द चैनल अगर आप सी एम ए कर रहे हो तो आपने ये चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए बिकॉज वी प्रोवाइड एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट फॉर सी एम ए स्टूडेंट सो इफ यू वॉन्ट एनिथिंग एल्स आप वो भी कॉमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि हमको ये वाला भी चाहिए वो वाल वाला भी चाहिए आप कॉमेंट बॉक्स में डालेंगे तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट वैसे ग्रुप वन का ऑलरेडी सर आप लोगों का DT का पेपर का आंसर दे चुके हैं वैसे ही डिटेल में जैसे मैं अभी FM का देने जा रही हूं तो अगर आपने वो चेक नहीं किया और आपने वो पेपर दिया हुआ है या आप पढ़ भी रहे हो तो भी आप वो देख सकते हो ताकि आपको समझ में आएगा कि पेपर कैसे आया था आप उसको सॉल्व कर लो फिर आप वेरीफाई कर लो सर के आंसर के साथ सो यू कैन डू दैट वे ऑल्सो नाउ वी आर गोइंग टू कम विथ एक्सप्लेन द डिफरेंस बहुत ही सिंपल सा थ्योरी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है और नीचे जो सोल्यूशन दिख रहा है ना आप लोगों को ये सोल्यूशन हमारी ही थ्योरी बुक से भी है मतलब मॉड्यूल में में था था लेकिन ये ये मेरी बुक भी भी अगर आपने अच्छे से पढ़ी होती तो आपको इसका आंसर आता ही आता सात मार्क के लिए पूछा था और इस आंसर में सेवन पॉइंट्स ही है आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच में क्या बताना था डिफरेंस आप यहाँ पे ये सारा डिटेल में जैसे नेचर ऑफ सिक्योरिटी पे सेल परचेज पे नेचर ऑफ फाइनेंसिंग पे अगर आपको दिख रहा है और मुझे कहीं ना कहीं आपने ये थियोरी क्वेश्चन लिखा ही होगा क्वेश्चन लिखने जैसा था और उसके साथ बी वाला पार्ट आपको जो पूछा था वो डी ए का पूछा था राइट और ये क्वेश्चन भी जहां तक मुझे ध्यान है आप लोग पढ़ चुके होंगे तमाम करा चुके थे ये तो टू ए टू बी वो प्रेटी सोल्वेबल फोर्टीन मार्क्स के साथ आप इसको कर सकते थे फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए क्या करके रखा है ना क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन ऐसे नीचे एक एक के नीचे एक के नीचे एक डाल के रखा है ताकि हम आसानी से इसको डिस्कस कर पाए दिस इज द रीजन फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर थ्री ए पे एम लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको ना बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था ये रेशियो का करंट रेशियो दिया है लिक्विड रेशियो दिया है प्रोप्राइटरी रेशियो दिया है और आगे की इतनी डेटा दिया है वर्किंग कैपिटल ठीक है रिजर्व दिया है और ओवर दिया है इसमें से काफ़ी चीज़ों का काम हमको पड़ता नहीं लेकिन मैं आपको बता कि जो FM का पेपर है ना मैं आपको सिखाते टाइम भी ये चीज बताती हूँ कि बहुत अजम्प्शन बेस्ड होता है एफ का पेपर इज सो मच एजम्पन बेस्ड इसमें कभी भी एक ऐसे नया पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है और उस हिसाब से आंसर थोड़ा वेरी कर सकता है तो मैंने यहाँ पे जो भी आंसर्स दिए वो एक पर्टिकुलर एजम्पन को लेकर दिए है आपके आंसर अगर आपने दूसरा अज्यूम किया रहेगा तो उसके हिसाब से करेक्ट होगा तो वो टेंशन मत लेना बिकॉज वी आर दैट मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट पेपर अगर आप एफ एम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि कई पॉइंट्स इसमें अजम्प्शन बेस्ड आते हैं जैसे कि बैंक ओवर ड्राफ्ट कायदे से आपका जो लिक्विड रेशियो होता है उसके फॉर्म्यूला के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर करंट लाइबिलिटी में से ओवरड्राफ्ट माइनस होना चाहिए लेकिन जब हम देखते हैं कि मॉड्यूल जैसे जिस तरीके से इसको सॉल्व करता है तो 99 परसेंट माइनस नहीं करता है इसलिए मैंने आपको सिखाते टाइम भी बोला था कि हम भी माइनस नहीं करेंगे हम मान के चलेंगे कि आपका जितना करंट लाइबिलिटी है वही आपका क्विक लाइबिलिटीज है और ऐसे छोटे छोटे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए थे तो ये साथ मार्क के लिए आपको फ्री क्वेश्चन आ गया था

आपको सबसे पहले निकालना है करंट करंट लाइबिलिटी उसके लिए अपने पास एक रेशियो होता है करंट रेशियो तो अब मैंने कैसे सॉल्व किया ना मैं वो समझा दूंगी आप इसको फिर एक बार वेरीफाई अभी एक एक शब्द टू शब्द हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी वो मेहनत आपके लिए कर चुकी हूँ अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो अब आप लोगों का करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी तो टू का ये रेशियो है तो हमने इसको क्या कर लिया 2.5 पॉइंट फाइव करंट लाइबिलिटी इज योर करंट असेट ठीक है फिर अपने को वर्किंग कैपिटल दिया था तो हमेशा अपन वर्किंग कैपिटल के ही मदद से करंट असेट और करंट लाइबिलिटी निकालते ये तो बहुत कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था बेसिकली ये अपन ने रेशियो की स्टार्टिंग में किए थे ये वो वाले क्वेश्चन चल रहे तो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी अब अपन ने क्या किया करंट एसेट की जगह पे भी करंट लाइबिलिटी लिख दिया और ऐसे करके हमने करंट लाइबिलिटी का वैल्यू निकाला है फोर्टी थाउजेंड करंट एसेट क्या आएगा टू पॉइंट फाइव इंटू फोर्टी थाउजेंड विच इज गोइंग टू बी वन लाख फिर हमने यहाँ पे करंट एसेट निकाल लिया करंट लाइबिलिटी निकाल लिया अब आपको अगला क्या निकालने बोला है तो वैल्यू ऑफ स्टॉक से मदद so, कई कई भी करते हैं क्योंकि उसका फॉर्मूला ऐसा बनता है लेकिन वैसे ही सोल्व करना नेसेसरी नहीं होता है तो अज्यूमिंग नो बैंक ओवरड्राफ्ट फोर्टी थाउजेंड है हमने यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लिया स्टॉक का वैल्यू निकाल लिया इज ऑल्सो

आप लोगों को ना कॉमन साइज के अंदर सिर्फ एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हर एक का क्या निकालना पड़ता है सॉरी परसेंटेज निकालना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स की कॉस्ट और फिर आपको उसमें थोड़ा सा एनालिसिस भी देना पड़ता है जैसे यहां पे आपको पूछा है ऑफर योर कॉमन ऑन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी सेम ये मॉड्यूल में आपके क्वेश्चन है फिगर्स थोड़े ऊपर नीचे या हाफ या डबल किए हैं लेकिन बाकी का पूरा का पूरा इट्स सेम फ्रॉम योर मॉड्यूल एंड सेम क्वेश्चन ऑल्सो वी हैड डन सिर्फ उस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में फिगर हाफ और डबल का सीन है और कुछ अलग नहीं है इसके अंदर से इसको क्या होंगे हंड्रेड परसेंट फिर हम क्या करते जितने आइटम्स आपको दिए जैसे कॉग्स एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल ले लिया तोल्स इन टू हंड्रेड फिर आपको आ गया ये फिर हमने क्या किया ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू टू हंड्रेड ये कैसे ले रहे अपन सिर्फ यहाँ पे जो जो आइटम दिया ना इसको डिवाइड बाय सेल्स किया इसको डिवाइड बाय सेल्स किया इसको डिवाइड बाय सेल्स इसको डिवाइड बाय सेल्स इसको डिवाइड बाय सेल्स इसको डिवाइड बाय सेल्स सबको डिवाइड बाय सेल्स करके परसेंटेज निकाले अपन ने और कुछ अलग इसके अंदर अपन नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ने जैसा नहीं था क्वेश्चन नंबर फोर तो वॉज अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन और मैं आपको बताती हूँ जो जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए ना वही क्वेश्चन और डिटेल में देखो क्योंकि अल्टीमेटली आपको आपके मार्क्स कितने आ रहे नहीं आ रहे उधर से ही समझेंगे राइट फिर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाला फिर हमको क्या मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज मिल गया फिर इंटरेस्ट ऑफ डेट भी हमने क्या किया एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाला और हमको मिल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स इससे आपको क्या देना था एनालिसिस देना था क्या एनालिसिस देना था अब आप देखेंगे कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया है बढ़ गया है फिर हम देखेंगे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्या हो गया है बढ़ गया है आपका कॉक्स क्या हो गया है कम हो गया इंटरेस्ट ऑफ डेट क्या हो गया है कम हो गया है. ऐसे कॉमेंट देने रहते हैं आपको तो यहाँ पे मैंने आपको दो कॉमेंट लिख के दिए लेकिन अगर आपको डिटेल्ड कमेंट देखना है तो आप मॉड्यूल में चेक कर सकते हो कॉमन साइज स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आपको ये देखने मिलेगा जैसे पीबीटी टू नेट सेल्स क्या हो गया आप लोगों का इंक्रीज हो, हो गया क्यों इंक्रीज हुआ होगा क्योंकि आपका कॉस्ट कम हुआ है जो आपने देखा ना रिडक्शन इन कॉस्ट दूसरा आपका डेट क्या हो गया कम हो गया डेट कम होने से आपका रिस्क भी क्या हो गया यहाँ पे कम हो गया दैट्स इट ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर ए नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर आप लोगों का फोर बी टी लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इक्विटीज शेयर दे दिए है प्रेफरेंस शेयर रिटेल डिबेंचर्स दे दिए लोन दे दिए द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनीज इक्विटीज थर्टी तो ये आपको मार्केट प्राइस दे दिया एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे दिया है ग्रोथ रेट फाइव दिया है प्रोटेशन कॉस्ट आप लोगों को दिया है पाँच रुपये का इससे आपको क्या निकालना था के ई कॉस्ट निकालना था कैसे निकालते हैं अपन डी वन अपऑन पी जीरो अगर प्रोटेशन कॉस्ट है तो उसको क्या कर देते हैं माइनस इंटू हंड्रेड करो और ग्रोथ रेट को डायरेक्टली जी करके क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे ऐसे करके आपको किसका आंसर मिल जाएगा केई का आंसर मिल जाएगा मैं नीचे दिखा देती हूँ फिर हम आएंगे प्रेफरेंस शेयर पे ऑफ द कंपनी विच आर रिडीमेबल एट पार आफ्टर फाइव इयर्स तो ये रिडीमेबल है तो हम लोगों को बड़ा फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है इसका ट टैक्स रेट दिया है ट्वेंटी परसेंट का कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों हिसाब से निकालना है तो ये क्वेश्चन भी यार आप मेरी स्टूडेंट हो तो कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपने कितने कितने बार ऐसे कितने सिमिलर क्वेश्चन किए यू मस्ट यू मस्ट रिमेंबर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विच वी हैड डन ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन था पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक एडजस्टमेंट ये सबसे आता है एक एडजस्टमेंट ये सबसे आता है और ऐसे मिक्स क्वेश्चन हमने भी बहुत किए और ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन आपको देखने मिले तो ये क्वेश्चन भी एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन नहीं था आप लोगों के लिए स्टेटमेंट से पहले हमको क्या देखना पड़ेंगे वर्किंग नोट्स देखने पड़ेंगे तो केई का कैलकुलेशन हम क्या करेंगे डी वन आपको दिया हुआ था पी जीरो में मैंने क्या किया फ्लोटेशन को माइनस कर लिया तो वन पॉइंट टू अपॉइंट ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड और ग्रोथ रेट ऐड कर लिया तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे डी वन मिल गया राइट right? फिर हम आगे जाएंगे और हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे के पी, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन टू तो प्रेफरेंस डिविडेंड हंड्रेड दिया हुआ था यहाँ पे रेट ये आपका है शेयर का वैल्यू इंटू 17 परसेंट तो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ जाएगा सत्रह का आ जाएगा तो सत्रह हमने ले लिया आप लोगों का RVM अज्यूम करते उतना ही है क्योंकि ये कुछ रिडीम करते टाइम बोला नहीं है प्रीमियम या डिस्काउंट आपका करंट सेलिंग प्राइस क्या बन जाता है एनपी बन जाता है अपन ने ये देखा हुआ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स क्या हो जाएगा फाइव होल डिवाइडेड बाय हंड्रेड प्लस नाइनटी अपॉइंट टू ऐसे करके आपको प्रेफरेंस डिविडेंड का

फिर ये आपको बोला था टेन परसेंट प्रीमियम पे रिडीम करना है तो एक सौ दस माइनस ये उसका करंट सेलिंग प्राइस था डिवाइडेड बाय पांच साल होल्डिडेड बाई हंड्रेड परस नाइन बाई टू ऐसे करके आपको के डी मिल गया टेन परसेंट का फिर अब आपको क्या करना था कॉस्ट ऑफ टर्म लोन लास्ट का था तो इसमें तो कुछ नहीं करते इंटरेस्ट में से बस और हम क्या हटा देते टैक्स विच इज गोइंग टू बी एट परसेंट फिर हम आएंगे आपके बुक वैल्यूज पे तो ये आपके इक्विटी शेयर कैपिटल आपको यहाँ पे दिया था नंबर ऑफ शेयर्स उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया उसके शेयर वैल्यू से रिटेल अर्निंग्स का वैल्यू दिया था और यहाँ पे आपको क्या दे दिया था डेट दे दिया था और यहाँ पे दे दिया था टर्म लोन ऐसे आपके पास कितने आइटम थे पांच आइटम थे सबका टोटल लेंगे तो कितना आ रहा है ये एट्टी लैक्स का टोटल आ रहा है आप लोगों को फिर यहाँ पे हमने क्या निकालते हैं उसका वेट निकालते हैं जैसे 15 लाख अपॉन 80 लाख 20 लाख अपॉन 80 लाख ये हमने उसके कॉस्ट निकाले थे कॉस्ट ऑफ रिटेंड अर्निंग इज सेम एज के एंटीनेल आप अनलेस आपको क्या दिया रहता पर्सनल टैक्स रेट दिया रहता तब तक इट इज सेम ये आपका डेट है और ये आपका टर्म लोन है इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेटेड एवरेज मिलेगा एप्रोक्सीमेटली 11.2 के आसपास फिर जब हम मार्केट वैल्यू रहते तो आपको ये नंबर ऑफ शेयर्स के साथ किसको मल्टीप्लाई करना रहता है मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई करना रहता है वो आपको ध्यान देना है रिटेन अर्निंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर मार्केट वैल्यू क्योंकि वो ऑलरेडी इक्विटी में कंप्राइज हो जाता है ये आपका डेट हो गया और ये आपका लोन हो गया ये चार आइटम हो गए एक आइटम कम हो गया

पूरे जितने भी दायरे हैं उसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले ही रही हूँ उसका बहुत सिंपल सा रीजन है क्योंकि अगर आपके पेपर में ऐसा कुछ आता है तो यू मस्ट नॉट बी शॉक ये सब देख के आपने शॉक नहीं होना है। ये हमारे लिए सोल्वेबल चीजें ही है उसके लिए ही रेडी रखना है तो आप लोगों को इतना प्रिपेयर रहना ही चाहिए दिस इज हाउ ए सी टीच एंड यू नो वी आर वर्किंग एक्सक्लूसिवली फॉर सी में तो हम इतना कंटेंट इतने एफर्ट्स आप लोगों के लिए लेते ताकि आप जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखते हो ना

हमको ये नहीं दिखाना था कि हमको कितने क्वेश्चन आ रहे थे हमको पेपर अच्छी तरीके से कंप्लीट करना था किसने डिफिकल्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व किया किसने ईजी क्वेश्चन सॉल्व किया वो अपना वैसे भी कंसर्न नहीं रहता है हम लोगों को बस इतना समझना था कि हमको पेपर पूरा सॉल्व करना था हंड्रेड परसेंट पेपर सॉल्वेबल था अब बिल्कुल ऐसा है ही नहीं कि आप बोलोगे कि, कि ये क्वेश्चन हमको आ ही नहीं रहा था क्योंकि इसमें अच्छे खासे ऑप्शन बने हुए थे कि आप पूरा पेपर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे ऐसा मैंने आपको सिखाया है तो मुझे भरोसा है आप पे भी और अपनी टीचिंग पे भी कि ये क्वेश्चन क्या पूरा पेपर हंड्रेड परसेंट सॉल्व कर ही सकते थे जैसे हमने ऊपर के दो क्वेश्चन देखे फोर्थ क्वेश्चन वेरी सिंपल थर्ड क्वेश्चन वेरी सिंपल तो वो भी सोल्वेबल थे टू ए का ने थ्योरी देखा था वो भी और टू क्वेश्चन नंबर टू तो अगर हम बात करेंगे ना आपको मैं अगर थोड़ा एनालिसिस समझाओ तो पूरा ही थ्योरी था तो ये तो आपने सॉल्व करना ही चाहिए था ठीक है मान लो क्वेश्चन नंबर थ्री में फॉर सम रीजन आप अटक जाते थे क्वेश्चन नंबर तो था था अभी अपने देखा क्या उसके उसके अंदर आप लोगों को उसके अंदर सी निकालना था राइट और उसके अंदर आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट करना था कॉमन साइज स्टेटमेंट अपन रेगुलर क्लास में कर चुके थे इसीलिए क्वेश्चन सोल्वेबल था कोई बोलो ही मत कि हमको नहीं आता था आइडियली आपको आना चाहिए था क्योंकि अपन ये कर चुके थे और आप इनफैक्ट कहीं से भी पढ़े हो तो कॉमन साइज आपको पढ़ाया ही होगा ये इतना सिंपल टॉपिक है फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव की तो ये भी था किसी किसी के लिए था भी किसी किसी के लिए नहीं भी था क्वेश्चन में सिक्स सेवन एट का एनालिसिस मैं आपको बाद में देती हूँ जब अपना खत्म हो जाएगा फिर हम आएंगे क्वेश्चन पढ़ने के लिए प्रॉफिट in आपका कितना दिया है बीस हजार का आफ्टर चार्जिंग ईयरली डेप्रिसिएशन ऑफ सोलह हजार डिप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद की ये हालत है इन ऑर्डर टू राइट ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ सिक्स थाउजेंड

और बचावा कब पे कर रहे हो अगले साल जनरली क्या होता है ना अब इंग्लिश लगानी थी यहाँ पे जनरली क्या होता है आपका जितना भी आउटफ्लो होता है मशीनरी परचेज करने का वो ईयर जीरो में हो जाता है यहाँ पे पूरा का पूरा ईयर जीरो में नहीं हो रहा है यहाँ पे दो साल में स्प्लिट हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है दो साल में लिखना है इंग्लिश समझना था स्टॉक अमाउंटिंग टू ट्वेल्व थाउजेंड टू बी इन्वेस्टेड इन ईयर जीरो अब ये हो गया कैपिटल कॉस्ट उसके अलावा बारह हजार आपको किसके लिए भरने थे स्टॉक के लिए भी भरने थे तो ठीक है ये आपके वर्किंग कैपिटल जैसा हो गया विल बी रिक्वायर्ड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट यानी ये आपका वर्किंग कैपिटल जैसे हो गया एंड फॉर डेटर्स सोलह हजार करने थे तो वर्किंग कैपिटल में डेटर्स भी आता है ना कि आप लोग बेच रहे हो लेकिन आपको इमीडिएटली पैसा रिसीव नहीं हो रहा है तो ये आपके वर्किंग कैपिटल में गया सोलह ये एट द एंड ऑफ ईयर यन बोला है ठीक है

से नहीं कर रही थी। Even I was it. तो नॉर्मल कटकट करते -करते होता, तो तो होता है फिर हम आएंगे यहाँ पे जीरो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको बोला है दो साल में बटा है एक होगा फोर्टी थाउजेंड का और एक होगा आप लोगों के लिए ट्वेंटी फोर था फोर थाउजेंड स्प्लिट हो गया फिर अगर हम स्टॉक देखेंगे तो ईयर जीरो में और डेटर्स है सोलह हजार ये आपका सारे आउटफ्लो हो गए अब आपको बोला आपको प्रॉफिट होगा लेकिन कौन से साल से होगा ईयर वन से होगा कितने साल चार साल का ही प्रोजेक्ट है तो चार साल ही प्रॉफिट होगा तो ट्वेंटी थाउजेंड वन टू थ्री फोर फिफ्थ ईयर में पहले मैंने लिखा फिर मुझे याद आ गया था कि चार ही साल प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने कट कर दिया और हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देते बैक कर देते करेक्ट है ना तो डेप्रिसिएशन मैंने क्या कर लिया? कर लिया उसमें ऐड लिया उसके अलावा आपका टैक्स है कितना था आपका टैक्स रेट वो तो आपकी इनकम कितनी थी ट्वेंटी थाउजेंड उसका तो यहाँ से क्या माइनस कर दे रहे हो टैक्स माइनस कर दे रहे हो अब 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 लेकिन यहाँ पे टैक्स ज्यादा क्यों आया बात समझो स्क्रैप वैल्यू भी आ रही है ना चार हजार की तो आप मैं यहाँ पे दिखाती हूँ ट्वेंटी थाउजेंड का इनकम प्लस फोर थाउजेंड का स्क्रैप वैल्यू तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड का आप कितना लेंगे फोर्टी परसेंट लेंगे तो आपको मिलेगा नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसलिए ये आपका जो लास्ट ईयर है उसमें आपका टैक्स बढ़ गया है और आपको फोर्थ ईयर में क्या मिल रहा है सैलवेज वैल्यू अगेन आपने ये जो सोलह हजार बारह हजार भरे ये कौन से साल में आपको वापस मिल रहे फिफ्थ ईयर में वापस मिल रहे ट्वेंटी एट थाउजेंड का ठीक है ऐसे करके आपने क्या किया सारे इन्फ्लोज अभी कैलकुलेट कर लिए पहले साल अगर आप देखेंगे तो फोर्टी और ट्वेल्व थाउजेंड नेगेटिव है तो फिफ्टी टू थाउजेंड सेकेंड ईयर अगर आप देखेंगे तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड है और सोलह हजार तो अगर आप देखेंगे तो चार हजार आपका नेगेटिव बैलेंस अभी भी बचता है उसके आगे में आपको बस ऐड करना ट्वेंटी प्लस 16 माइनस एट थाउजेंड ट्वेंटी प्लस माइनस एट ट्वेंटी माइनस एट प्लस फोर थाउजेंड और लास्ट ईयर का नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नेगेटिव और ट्वेंटी पॉजिटिव तो लास्ट ईयर का फिगर मैंने यहाँ पे लिखा है विच इज एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड उसके बाद इनको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना था इन लोगों के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स से देखो ईयर वन का डिस्काउंटिंग जीरो का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है वन ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आपको ऑलरेडी दिए हुए थे उनके रिस्पेक्टिव से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को टोटल एनपीवी आएगा ट्वेंटी के आसपास ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर फाइव का सिंपल क्वेश्चन था और ये बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन नहीं था फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर फाइव बी पे तो यार ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लिखा के भी कराया है बोला भी था इंपॉर्टेंट है जनरली एग्जाम में आता ही है ये भी बोला था कि क्या के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आते ही है अगर

दो आपको मशीनरी के वैल्यू दिए रहते हैं और उसके अंदर ना एक का लाइफ अलग होता है और दूसरे का लाइफ अलग होता है तो ऐसे टाइम पे हम डायरेक्टली इनको कंपेयर नहीं कर सकते ये उस टाइप का क्वेश्चन था उसको रिप्लेस करना है वन वन ऑफ इट्स मशीन हैज़ बिकम अनसर्विसेबल टू आर अवेलेबल मोर एक्सपेंसिव है बारह साल का लेस एक्सपेंसिव है छ साल का इफ स्टैंडर्ड मशीन इज चोजन इट विल बी रिप्लेस एट दी एंड ऑफ सिक्स लेकिन दूसरी वाली रिप्लेस कब होगी बारह साल आपको यहाँ पे उसके क्या दे दिए परचेस प्राइस दे दिया स्क्रैप वैल्यू दे दिया है ओवरऑलिंग कॉस्ट दे दिया है ड्यू एट दी एंड ऑफ ये ईयर है और ये कॉस्ट है

Annual repair, थी, पूरे साल लगने वाला है है लाख तो 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 इसको मैंने से किया किया और scrap value आपको ईयर में मिलेगा तो ये उससे तो अगर आप देखेंगे तो इसके लिए कितना लग रहा है? 64, 19, 920. फिर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड के अंदर आके अगर हम देखेंगे दे <coughs> दे दिया दिया discounting factor. और आपको परचेज प्राइस सेम ओवरहॉलिंग कॉस्ट एनुअल रिपेयर स्क्रैप वैल्यू ये वाला जो है आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर बस के प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर होगा क्योंकि ये पूरे छह साल के लिए रिपेयर लगेंगे बाकी के सब उस पर्टिकुलर ईयर के लिए हमने लिया और यहाँ पे हम देखेंगे तो खर्चा हो गया फोर्टी नाइन वन थाउजेंड एट ट्वेंटी फोर अब ऐसे देखेंगे तो ये वाली सस्ती लग रही है लेकिन यार ये वाली है है साल साल के लिए, वो है साल के लिए लिए वो डायरेक्टली कम्पेरेबल नहीं होता है इसलिए हम क्या करते हैं हम एनुअलाइज वैल्यू निकालते हैं मतलब हम जितना भी उसका कॉस्ट आ रहा है डिवाइड किससे करते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर फॉर दैट जैसे इसको छे साल के लिए कर लिया और एक इसको छह साल और इसको बारह साल के लिए कर लिया तब जाके आपको ईयरली कॉस्ट मिलेगा

बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था वो भी वर्किंग कैपिटल का एंड नेडमार्क तो तो है हर बार ऐसा क्वेश्चन हमको देखने मिलता ही है जहाँ पे वर्किंग कैपिटल का आप लोगों को वीक्स या डेज के हिसाब से वर्किंग कैपिटल निकालना है सो दिस अ वॉजी क्यूट क्वेश्चन जो आप लोगों ने सॉल्व करना ही चाहिए था बेसिकली छोड़ने जैसा क्वेश्चन नहीं था तो अगर हम क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो कैप बच किसी किसी को जम जाएगा किसी किसी को नहीं जम जाएगा फिर हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें ना तो इसके अंदर आपको वर्किंग कैपिटल ए में पूछा था और बी में आपको बेसिक ईओ क्यू पूछा था अगर आप ग्रुप वन करके ग्रुप टू की हो तो ये क्वेश्चन तो आप बहुत बार कर चुके हो तो क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉज ऑल्सो सोल्वेबल वेरी मच सोल्वेबल इनफैक्ट कमिंग टू योर सिक्स ए फ्राम द फॉंग इफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देखो मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ इसके अंदर कि आप करेक्ट चॉइस कैसे कर सकते थे कौन सा क्वेश्चन ऑप्ट करके तो आप इसलिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रखो सो दैट नेक्स्ट टाइम आप जो 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 भी पेपर देंगे ये आपके उसका आएगा ही आएगा कॉस्ट पर यूनिट के अंदर आपको मटेरियल दे दिया लेबर दे दिया ओवरऑड एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन दिया है तो अपन आप एज्यूम करके चलेंगे कि ये पूरे क्वेश्चन में हम डिप्रिसिएशन को कंसिडर ही नहीं करने वाले राइट टोटल कॉस्ट दे दिया अडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको सेलिंग प्राइस दे दिए आउटपुट दे दिया है रॉ मटेरियल इन स्टॉक दे दिया है वर्क इन प्रोग्रेसेंट कंप्लीशन स्टेज है फुल रॉ रॉ मटेरियल मटेरियल यानी हम पूरा 100 लेंगे और आपके लिए आ, लेबर और अपन पे लेंगे फिनिश्ड गुड्स इन स्टॉक टू वीक्स दिया है सप्लायर ने चार हफ्ते का आपको क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है डेटर्स ने आठ वीक का कैश इन बैंक आपको पचास हजार बोला है ज्यूम दैट द प्रोडक्शन इज एट एन इवन प्लेस प्लेसिंग टू वीक्स की आपको बात किया ने, पूरे साल में फिफ्टी टू वीक्स होंगे जितने भी सेल्स है सब क्रेडिट बेसिस पे है और कोई एजम्पन आपको मन से बनाना है तो बनाना मैं आपको बोलू ये क्वेश्चन की एक बहुत बहुत बड़ी है बहुत बड़ी बड़ी खासियत खासियत है है अगर आपको क्लिक हुआ होगा तो अगर क्लिक हो के दो मिनट मुझे भी डर लग गया यार ये क्या कर लिया बट ठीक है होता है वी कैन हैव आर ओन अजम्पन्स द क्वेश्चन सेट तो अपन उसी एज्शन पे इसको सॉल्व करेंगे अगर आपको क्लिक हो गया होगा कि एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन मिसिंग है यहाँ पे पहले करंट एसेट पे आते हैं करंट एसेट आपकी फिफ्टी टू थाउजेंड यूनिट्स है एक रुको हाँ। आप लोगों का रॉ मटेरियल का का स्टॉक वैल्यू है और आपको बोला है कि ये चार हफ्ते स्टॉक में रहेंगे अगर आप देख रहे हो तो रॉ मटेरियल इन स्टॉक यानी करंट के लिए कितना बोला है आपको चार हफ्ते बोला है तो हम क्या करेंगे इसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टी टू थाउजेंड अगर आप करोगे इंटू फोर्टी इंटू फोर अपॉन फिफ्टी टू तो ये कितना आ जाएगा? फिर अगर हम बात करेंगे स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की रॉ मटेरियल आपको हंड्रेड परसेंट बोला है तो ये फिफ्टी टू थाउजेंड फोर्टी वर्क इन प्रोग्रेस दो हफ्ते रहते हैं और ये हंड्रेड परसेंट दे लिया मैंने डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड उनके रिस्पेक्टिव रेट ले लिए हफ्ते तो दो ही लेंगे लेकिन यहाँ पे इनको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिफ्टी परसेंट से ऐसे करके आपको वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्या मिल जाएगा आप लोगों का आप लोगों का स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मिलेगा फिर हम बात करेंगे फिनिश्ड गुड्स की तो फिनिश्ड गुड्स अपन हमेशा किस पे लेते हैं कॉस्ट पे लेते तो इसीलिए मैंने कॉस्ट पे लिया एटी फाइव थाउजेंड सो फिफ्टी टू थाउजेंड इन टूटी फाइव रुपीज और ये आपके चार हफ्ते आप लोगों का फिनिश गुड इन स्टॉक रहने वाला है तो ये आपका वैल्यू आ गया डेटर्स की बात करेंगे तो ये भी मैंने कॉस्ट पे लिया आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते थे कि डेटर्स आर ऑन सेलिंग प्राइस मैंने एज्यूम किया है कि इट इज ऑन कॉस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कॉस्ट में प्रॉब्लम है ना सेलिंग प्राइस में प्रॉब्लम है 52,000 टू थाउजेंड इंटू एटी फाइव इंटू एट बाई डेटर्स को आप आठ हफ्ते का टाइम दे रहे हो इसलिए 8 बाई फिफ़्टी हो गया है और ये कैश तो यहाँ पे आपके करंट एसेट तो सॉर्ट हो गए फिर अगर हम बात करेंगे करंट लाइबिलिटीज का तो रॉ मटेरियल के लिए आपको ये भी चार हफ्ते देखो अलाउड बाय सप्लायर कितना हफ्ता बोला है चार हफ्ता तो हम यहाँ पे भी कितना लेंगे वीक्स लेंगे तो फिफ्टी टू थाउजेंड फोर्टी रुपीज का रॉ मटेरियल है इन टू फोर बाई फिफ्टी टू ऐसे करके आपको वन लैख सिक्सटी थाउजेंड वैल्यू मिलेगा फिर अगर हम बात करेंगे ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट था आपको वेजेस के लिए ना टाइम लैग दिया ही नहीं है ना आपको लेबर के लिए दिया है ना आपको ओवरहेड के लिए दिया है तो मैंने अज्यूम किया है कि ये भी सप्लायर में आके चार चार हफ्ते दे रहे हैं जैसे आपको क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स बोला है ना तो अभी ये कौन से सप्लायर्स है जनरली ये रॉ मटेरियल के लिए होते हैं आपको वेजेस और ओवरहेड के लिए टाइम लैग दिया रहता है इसमें नहीं दिया था इसलिए मैंने अज्यूम किया है फोर वीक हो सकता है आपने कुछ और अज्यूम किया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन ने बोला है आप अपने एजम्पन्स बना सकते हैं सेम उनके वैल्यू के हिसाब से फोर वीक्स के हिसाब से अपन ने ये ले लिया आपको करंट लाइबिलिटी आ गई तो नेटवर्किंग कैपिटल आ जाएगा करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी विच इज अराउंड टेन लैख फिफ्टीन थाउजेंड फिर अगर हम इसी का बी पार्ट देखेंगे तो बहुत आसान सा आपको ईओ का क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पे आपके अलग अलग रेट्स दिए हैं क्योंकि अलग अलग स्लैब दिए है आप इनके इनमें से किसके बीच में ऑर्डर करते हो डिपेंड्स आपका रेट वैसे चेंज होगा एनुअल रिक्वायरमेंट तो आठ हजार है ऑर्डरिंग कॉस्ट बारह रुपए है स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट ट्वेंटी परसेंट अगर मैं सच बोलूँ तो ये ग्रुप वन के एक पास्ट पेपर या एम का क्वेश्चन नहीं है दिस इज फ्रॉम ग्रुप वन लेकिन ये अब आपके वर्किंग कैपिटल में आ चुका है आप लोगों की इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए इसलिए ग्रुप टू में भी पूछा जा सकता है तो विच वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अपन के क्वेश्चंस ये यही थे ग्रुप टू के अंदर भी तो कोई टेंशन की बात नहीं है एज अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डरिंग क्वान्टिटी आपको बेस्ट क्वान्टिटी बतानी थी इसके अंदर तो सेम अभी मैंने क्या कर दिया ना यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑर्डरिंग की क्वान्टिटीज ले ली जैसे लेस देन फाइव था तो मैंने फोर ले लिया है हो सकता है आप लोगों ने फोर लिया होगा या थ्री थ्री हंड्रेड या कुछ भी ले लिया होगा फिर ऑर्डरिंग क्वान्टिटी सॉरी फाइव हंड्रेड बट लेसटी हंड्रेड तो मैंने ये सारे लोअर वाले फिगर्स ले लिया एट थाउजेंड एंड अब थाउजेंड ले लिया ऐसे करके ये पांच क्वांटिटी बन गई उनके परचेज कॉस्ट उनके रिस्पेक्टिव परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया उन लोगों के लिए हमको मिल गया उन लोगों के लिए परचेज कॉस्ट मिल गया ठीक है फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स की तो अपन क्या करते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन जितना भी क्वांटिटी है जितना भी आपका ऑर्डरिंग क्वांटिटी उससे हमने क्या कर लिया डिवाइड कर लिया तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएगा फिर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था बारह उससे हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको परचेसिंग कॉस्ट मिल गया ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गया अब आपको क्या ढूंढना था कैरिंग कॉस्ट उसके लिए लगता है आपको एवरेज साइज जितनी भी आपकी ऑर्डरिंग क्वांटिटी उसको हमने टू से डिवाइड कर लिया तो आपको क्या मिल गया आप लोगों का एवरेज साइज मिल गया है सबका उसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया कैरिंग कॉस्ट से ट्वेंटी परसेंटेस प्राइस तो हर किसी के साथ चेंज हो रहा है उसका बीस टक्का और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया कैरिंग कॉस्ट ऊपर का परचेज फिर अपना ऑर्डरिंग फिर अपना कैरिंग सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा टोटल कॉस्ट और इनमें सबसे कम आपका टोटल कॉस्ट कितना है इज कमिंग अंडर यानी तीसरे स्लैब के अंदर आ रहा है और आपका तीसरा स्लैब था ंड्रेड बट लेस देन फोर थाउजेंड तो अगर आप ये ऑर्डर करते हो तो आपका कॉस्ट सबसे क्या रहेगा लीस्ट रहेगा मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वान्टिटी सिक्स हंड्रेड एज इट हैज लीस्ट कॉस्ट ये एकदम ईजी सा क्वेश्चन आया था एंड कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ए एंड सेवन बी एफ एम के लास्ट क्वेश्चन तो उसके बाद एट वाला क्वेश्चन जो है आपका वो डी ए का है तो मैं यहाँ पे आपको एफ एम के क्वेश्चन बताने आई हूँ तो ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन लास्ट है ये क्वेश्चन था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये ठीक है अगर आपको क्लिक हुआ होगा तो एमएम MM की मदद से इसको आपको सॉल्व करना था अब हम देखिए तो क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आपका सोल्वेबल था क्वेश्चन नंबर सेवन अगर आपको एमएम MM के मदद से जम गया रहता तो ये भी सोल्वेबल था और क्वेश्चन नंबर एट तो आपका डी ए वो तो आपने करना ही था आपको कितने क्वेश्चन करने होते मैं आपको थोड़ा एनालिसिस भी समझा देती हूँ इसी के साथ साथ देखो आपको करने थे पांच क्वेश्चन एक दो तीन चार तो एकदम अच्छे से हो रहे थे अब आपको क्या करना था ना क्वेश्चन नंबर थ्री के बीच में क्वेश्चन नंबर फाइव के बीच में और क्वेश्चन नंबर सेवन के बीच में से कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना था अगर आप थ्री में अटक रहे थे तो आपके पास फाइव का ऑप्शन था लेकिन फाइव वॉज ऑन कैपिटल बजटिंग अगर आप इसमें अटक रहे थे तो सेवन सबसे आसान ऑप्शन था आपके पास सेवन में तो आप लोगों को लेवरेज का एक आसान सा क्वेश्चन आया था और कैपिटल स्ट्रक्चर तो सेवन वॉज प्रिटी सॉल्वेबल तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था आप लोगों के लिए पूरा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आएंगे हम लास्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सेवन ए स का वैल्यू दे दिया है कैरिंग टेन परसेंट इंटरेस्ट वोट दंपनीज ऑन ट्वेंटी इंटरेस्ट एंड टैक्स टोटल अगर आप थर्टी लैक्स का बीस टक्का लेंगे तो उनका ई बी आई टी कितना है छह लाख आने वाला है आप लोगों को केई दे दिया है पंद्रह टके का अब यहाँ पे ना आप लोगों को पता है क्या नहीं दिया है आप लोगों को यहाँ पे लेवर्ड कंपनी का केई नहीं दिया है तो वो हम फाइंड आउट करेंगे एम एम के मॉडल से और ये के ही आने के बाद आप दोनों कंपनी का एन आई और एनओ आई अप्रोच से वैल्यू निकालेंगे और सीओ सी निकालेंगे सिर्फ कंपनी एल का तो ये अच्छा क्वेश्चन था एज पर एम एम हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ लेवर्ड इज इक्वल्स टू अनलेवर्ड प्लस टैक्स अनलेवर्ड का कितना वैल्यू है अपना फोर्टी लैक्स ये फोर्टी लैक्स कैसे होगा अनलेवर्ड का वैल्यू देखो जो लेवर्ड नहीं हम उसकी बात कर रहे हैं ठीक है थीके? आपको दे दिया है उसके पास पंद्रह टक्के की क्या है ऑल इक्विटी है राइट right? आप ना जैसे जैसे इसको सॉल्व करेंगे देखो मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ कहा गए हम यहाँ पे हाँ एन आई अप्रोच पे आओ मैं आपको बताती हूँ फोर्टी लाख कैसे आया पहले तो कंपनी एल और यू है नेट ऑपरेटिंग इनकम थर्टी लाख का ट्वेंटी परसेंट अपन ने यहाँ पे छह लाख छह लाख ले लिया लेवर्ड के अंदर इंटरेस्ट रेट है 18 लाख का दस टका वन लाख आपने क्या कर दिया यहाँ से माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ गया नेट इनकम आपके पास ये मिसिंग है ना तो ये वर्किंग नोट वन से जाना है लेकिन आपके पास अनलेवर्ड के लिए तो सब दिया हुआ है राइट तो फिफ्टीन आपने क्या ले लिया के ही ले लिया तो अगर आप सिक्स लाख को फिफ्टीन से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बट अनलेवर्ड के अंदर डेट तो है ही नहीं तो उसका मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना है जीरो तो उसका मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा फोर्टी लैक्स ही हो जाएगा समझ में आया तो आपके अनलेवर्ड का फोर्टी लैक्स प्लस अठारह लाख पे पचास हम टैक्स बेनिफिट लेते हैं तो फोर्टी नाइन का मार्केट वैल्यू है लेवर्ड का राइट right? और अगर आपको के ओ निकालना है तो एनओ आई कितना था आपका छह लाख था राइट नेट ऑपरेटिंग इनकम उसको आप वैल्यू से डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा के का तो हमने यहां पे पे हाँ, पे कहा गया यहां पे. अब आप यहां पे देखो वर्किंग नोट वन अनलेवर्ड और लेवर्ड ई बी आई टी है इंटरेस्ट माइनस किया ईबीटी आ गया टैक्स माइनस किया इी आ गया अब अगर मुझे केई निकालना है तो कैसे निकालेंगे अभी तो हमने निकाला ना यहाँ पे केई आपका के ओ है

के अपने वर्किंग नोट नंबर वन से आ गया तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों की आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ऐड किया तो आपको मिल गया दोनों का मार्केट वैल्यू एज पर एन आई अप्रोच अब अगर हम एज पर अच्छा आपको बाद में ये भी पूछा था कि उसका वैग क्या है तो मैं उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एनओ आई अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म तो छह लाख अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म सेवन नाइन लाखी फोर तो कितना हो जाएगा ये ये आगे का पार्ट पूछा हुआ था आपको फिर एनओ से भी सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी है नेट ऑपरेटिंग इनकम है के ओ अभी हमने ऊपर निकाला था एक फॉर्म का दूसरे का केई के ओ सेम रहेगा क्योंकि वो क्या है अनलेवर्ड है तो जितना उसका केई है उतना ही उसका ओवरऑल कॉस्ट रहेगा तो उससे आप क्या कर लोगे डिवाइड कर लोगे तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ फर्म मिलेगा के से को market, uh, करेंगे तो अगर तो अपन ऊपर निकाला था माइनस इंटरेस्ट अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी है एनआई भी है दोनों को डिवाइड करने से आपको क्या मिल जाएगा कहीं मिल जाएगा खत्म दिस वॉज क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा था एनओ और एनओ एनआई अप्रोच को लेके एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एफ एम सबसे सिंपल क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं अपने बुक्स के अंदर कई बार कर चुके हैं आपको यहाँ पे लेवरेज निकालना था और सब दिया था देखो लेवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है राइट तो अपन ने स्टेटमेंट बनाने के लिए एसेट टर्नओवर ओवर रेशियो यूज किया जो आपको दिया हुआ था विच इज थ्री है देखो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पूरी बैलेंस शीट दे दी उसके अलावा कंपनी का टोटल एसेट टर्न ओवर रेशियो कितना बोला है थ्री बोला है कितना बोल दिया, दो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना तो अपॉन टोटल नहीं पता टोटल से लिया थ्री से मल्टीप्लाई किया तो टर्न ओवर मिल गया बारह लाख का फिर अपना अपना प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट 12 लाख वेरिएबल कॉस्ट 40 परसेंट तो कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट गिवन था माइनस किया तो ईबीआईटी इंटरेस्ट आपको बैलेंस शीट से उठाना था वन लाख सिक्सटी का टेन परसेंट तो सोलह हजार आ गया फिर ये ईबीटी था टैक्स हटाएंगे थर्टी परसेंट का तो ये ईएटी था फिर आपको क्या करना था सिर्फ लेवरेजेस निकालने थे डॉलर्स कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी डीएफएल इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी और डीसीएल आप दोनों में से कोई भी फॉर्मिला निकाल सॉल्व कर सकते थे और ये आपके सामने था आपका पूरा का पूरा एहतम का पेपर आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी कुछ एजम्पन्स के हिसाब से आपके आंसर ऊपर नीचे हुए होंगे और जो आपके इंस्टीट्यूट से सजेस्टेड आंसर आएगा वो भी ऊपर नीचे मेरे और वो कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे हो सकते हैं जो एक्जैक्टली exactly मैच नहीं कर रहे क्योंकि अब आप जानते हो कि बहुत सारे एजम्पन्स अलग अलग है तो आंसर वेरी करेंगे बट अगर आपने एजम्पन लिखा हुआ है तो यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल एंड टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट योर नेक्स्ट ग्रुप अगर आपने एक ग्रुप दिया है और अगर आप कॉन्फिडेंट हो उसके बारे में तो अगला ग्रुप प्रिपेयर करने के लिए हमारे बैचेस चालू हो रहे हैं एंड यू ऑल नो ए सी इज इक्वल्स टू सी एम ए बच्चों ने दिया बट आ गया ये एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू फेलिसिटेट सो मेनी स्टूडेंट्स टू अप्रीशिएट देर हार्डवर्क इंक्लूडिंग ए आई आर वन को जो हमने रिसेंटली एक कार के साथ फेलिसिटेट किया था इट इज जस्ट एंड क्या कहते हैं एक रिमार्क है वो कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो दिस इज़ अ वेरी नाइस कोर्स इसको रिकग्निशन मिलना भी बहुत नेसेसरी है और आपको भी अप्रिसिएशन मिलना बहुत ज़रूरी है एंड वी आर ट्राइंग आर बेस्ट इन ऑल वेज पॉसिबल इंक्लूडिंग क्वालिटी लेक्चर्स एट अफोर्डेबल कॉस्ट वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफर्स भी चल रहे हैं वेबसाइट पर अगर आप रिकॉर्डेड के लिए ढूंढ रहे हो तो सो डोंट मिस दी ऑफर्स एंड एनरोल योर सेल्फ फेस टू फेस लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डेड